नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या होता है, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि ये वीडियो जो वीडियो क्रिएटर्स हैं, जो एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, जो टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, इन शॉर्ट यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, उनके लिए ये मैग्नीफायर बहुत ही फायदेमंद टूल है। इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब बातें आज हम अपने इस टॉपिक में जानेंगे। मैग्नीफायर एक ऐसा एप्लीकेशन है, विंडोज सिस्टम इनबिल्ट आता है, जो कि आपको एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप जब डिस्प्ले या वीडियो में या किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और दूसरा इसका ऐसा उपयोग है कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में रीड फ्रॉम हियर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्लिक करने के बाद में, आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको उस एप्लीकेशन की डिटेल्स पता चलेगी। जैसे मैं यहाँ पे ये OBS है, हमारा सॉफ्टवेयर चालू है, इसका आपको एक डेमो दिखाता हूं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। OBS Studio 64-bit One Running Window। इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन या किसी भी इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मैग्नीफायर का डिटेल विश्लेषण करेंगे और हम आपको बताएंगे कि मैग्नीफायर को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पे, तो अब हमें इसको ऑन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। हमने इसको मिनिमाइज करके रखा था, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करने के बाद में ऑन कैसे करना है, और सबसे बात बड़ी बात, इसको यहाँ से टास्क बार में पिन कैसे करना है। तो सबसे पहले अभी आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में सेटिंग के बाद में सिंपली एस ऑफ एक्सेस करने के बाद में सिंपली मैग्नीफायर, और मैग्नीफायर के बाद में यहाँ पे लिखा है यूज मैग्नीफायर, यहाँ पे ऑन करना है। आप जैसे ऑन करेंगे, नीचे आपको ऑन जो मैग्नीफायर है ऑन हुआ दिखाई देगा। तो अब हम ये जानेंगे इसको पिन कैसे करना है, ये जानेंगे। इसको पिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक और पिन करना है। देखिए, राइट क्लिक किया पिन टू टास्क बार, ठीक है, ये अभी पिन हो गया। अभी यहाँ से टास्क बार से जाएगा नहीं अभी फिलहाल। अब यहाँ से भी क्लोज करके देख सकते हैं, मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, यहाँ से भी क्लोज कर देता हूँ। गया क्या, यहाँ से स्टार्ट किए, ये स्टार्ट होने के बाद में ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी हमें इसके फीचर्स जानने हैं, इसका उपयोग जानना है, ये कैसे काम करता है ये जानना है। तो इसके लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में एज ऑफ एक्सेस, यहाँ पे जाएंगे मैग्नीफायर। अभी देखिए, ये सीधा यहाँ पे डिस्प्ले है कि मैग्नीफायर क्या है। यूज मैग्नीफायर टू जूम इन ऑन पार्ट्स ऑफ योर डिस्प्ले। मैग्नीफायर कैन रन इन फुल स्क्रीन, इन अ सेपरेट विंडो, और एज अ लेंस दैट फॉलोज योर माउस पॉइंटर अराउंड द स्क्रीन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है आपके डिस्प्ले यानी आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप स्क्रीन पे जो भी चीज है, जो भी आप देखते हो, आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेंस भी मिल सकती है, अलग अलग तरीके से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, इनमें अलग अलग व्यू आते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, इसको आप जूम कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, और ये कहीं पे भी आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे उपलब्ध रहेगा। तो ये थी इसकी बेसिक बात। अब ये भी जान लेते हैं इसको हम किस तरीके से चालू कर सकते हैं। क्या एक ही मेथड है इसको चालू करने का, या दूसरा कोई मेथड है चालू करने का? तो हमें फिलहाल यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। देखिए, ये बंद हो चुका है। अभी हम इसको चालू करने के लिए, विंडोज ने ही हमें बताया है कि आप
प्रेस द विंडो लोगो की, अब प्रेस विंडो लोगो की हम कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप पे प्रेस करेंगे विंडो और प्लस की बटन दबाएंगे। तो जैसे ही प्रेस बटन दबाएंगे तो हमारा व्यू मैग्नीफायर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चला कि मैग्नीफायर हम कितनी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो हमने शुरुआत में आपको बता दिया कि आप सेटिंग में जाके एडोब एक्सेस का यूज करके मैग्नीफायर ऑन कर सकते हैं। दूसरा, विंडोज का बटन दबा के प्लस साइन प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं, तो इसको हम कैसे अनपिन करेंगे और पिन भी कर सकते हैं जो टास्क बार में होता है, ये भी जान लिया। अब हम जानेंगे इसको क्लोज कैसे करते हैं। अब इसको क्लोज करना है, हमारे पास सामने स्टार्ट है, तो सिंपली हमें विंडोज बटन दबाना है और एस्केप बटन दबाना है। ठीक है, यहाँ से इसको हम क्लोज करेंगे। तो देखिए ये क्लोज हो गया। देखिए हम, मैं यहाँ पे सर्कल आउट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे है, तो यहाँ से हो जाने के बाद में क्लोज हो गया। अब इसको स्टार्ट भी करेंगे, शॉर्टकट की से स्टार्ट करेंगे या आप अपनी मर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट की से स्टार्ट करता हूँ। देखिए विंडोज की बटन दबाई, उसके बाद में प्लस का बटन दबाया, स्टार्ट हो गया। तो ये सिंपली स्टार्ट हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है चेंज जूम लेवल। अब यहाँ पे हम जूम लेवल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जूम लेवल को बड़ा घटा सकते हैं। ये सबसे कम, ज्यादा से ज्यादा 400% और कम से कम 5% रह सकता है। तो जनरली हम सब डिफॉल्ट पे रखते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ से आपको एक बात और बताएंगे कि आप बिना माउस के भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जैसे अभी मुझे जूम इन जूम आउट करना है, मैं माउस का यूज बगैर किए बगैर इसको जूम इन जूम आउट करूंगा। मैं पहले विंडोज की बटन दबाऊंगा, उसके बाद में प्लस। देखिए, लेकिन जूम इन जूम आउट कहाँ हो रहा है? जहाँ पे मेरा कर्सर है। इनके लिए मैंने विंडोज का यूज किया, विंडोज बटन का यूज किया और माइनस साइन का यूज किया। तो आप कर्सर को सेंटर में रखिए, वहां से उसको जूम इन आउट कीजिए। जैसे मैं अभी प्लस पे क्लिक करता हूँ और जूम आउट करता हूँ, देखिए आ गया। अब माइनस करता हूँ, विंडोज माइनस। तो इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब ये आगे चलते हैं, जो कि यहाँ पे स्टार्ट मैग्नीफायर आफ्टर साइन इन, स्टार्ट मैग्नीफायर बिफोर साइन इन फॉर एवरीवन। अब ये पूछ रहा है कि जब आप साइन इन करते हो या साइन आउट होते हो या साइन इन करने से स्टार्ट होना चाहिए, दो ऑप्शन दे रहा है। अगर साइन इन करें तो जल्दी मैग्नीफायर स्टार्ट हो जाए, और साइन इन भी ना करें लेकिन सबके लिए साइन चालू हो जाए, ये दोनों ऑप्शन, दो ऑप्शन इसके लिए है। ठीक है, स्टार्ट मैग्नीफायर आफ्टर साइन इन, स्टार्ट मैग्नीफायर बिफोर साइन इन फॉर एवरीवन, ये दो चीजें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में स्मूथ एज ऑफ इमेज एंड इन टेक्स्ट, स्मूथ एज दिखाएगा आपको जब भी आप इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद में इनवर्स कलर्स है, ये सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट और थोड़ा कलर इफेक्ट दिखाता है जो कि अच्छा दिखता है। ठीक है, इसके बाद में इसको हम जनरली ये यूज होता है या नहीं होता है, ये डिपेंड करता है यूजर पे। उसके बाद में आप जो है आपका यूजर एंगल, जो व्यू है आप कैसे चाहते हैं, आपको व्यू कैसे दिखे, व्यू कैसा दिखे, फुल स्क्रीन में चाहते हैं तो पहले बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन है। अब यहाँ पे आप डॉक चाहिए तो कंट्रोल अल्टर डी दबाइए, डॉक मिलेगा। देखिए डॉक का मतलब ये है कि नीचे आप काम करते रहेंगे और जहां पे आपका कर्सर रहेगा उतना ही आपका पोर्शन ऊपर दिखेगा। देखिए इससे क्या होता है, ये हाईलाइट होता है, इसको आप 100% करेंगे उतना ही दिखेगा आपको। देखिए मैं डॉक पे क्लिक हूँ, ऊपर डॉक ही दिखाई दे रहा है, माउस पे क्लिक हूँ माउस पे दिखाई दे रहा है। इससे आपका फोकस अटेंशन रहता है और हर बंदा यूट्यूबर कभी कभी ये इसको यूज कर लेता है, और जो टीचर्स है वो टीचर्स भी इसको यूज करते हैं जो कि वो हाईलाइट भी करे और बोल्ड में भी दिखे। ठीक है, तो हम इसे अब लेंस कर लेते हैं। अब लेंस का मतलब ये है कि देखिए ये यहाँ पे फोकस कर रहा है, यहाँ पे दिखाई रहा है। ठीक है, इसको परसेंटेज में बड़ा करेंगे तो ये बड़ा दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज करके कर सकते हैं यूज, व्यू का आप मैग्नीफायर व्यू ले सकते हैं। तो इसे फिलहाल फुल स्क्रीन पे रहने देते हैं और हम इसे आगे देखेंगे कि इसको जूम इन जूम आउट अपने कीबोर्ड से कैसे करेंगे। तो अभी कीबोर्ड से करने के लिए प्लस का साइन दबाएंगे विंडोज, और प्लस जूम इन करने के लिए माइनस दबाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
उसके बाद में आता है हैव अ मैग्नीफायर फॉलो। अब ये मैग्नीफायर ने क्या फॉलो करना चाहिए, माउस पॉइंटर को फॉलो करे या कीबोर्ड फोकस को फॉलो करे या टेक्स्ट कर्सर को या नैरेटर कर्सर को। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो जो मैग्नीफायर है वो हर किसी को फॉलो कर सकता है, बशर्ते आप उस पर उसका एप्लीकेशन जो एप्लीकेबल टिक्स है वो लगा दे तो आपको हर फॉलो करेगा, जैसे मेरा माउस पॉइंटर भी फॉलो करता है। दूसरी बात, कीप द माउस पॉइंटर सेंटर ऑन द स्क्रीन, कीप द टेक्स्ट कर्सर सेंटर ऑन द स्क्रीन। हमारा माउस पॉइंटर जो है, अब जब हम इसको देखें, हमारा माउस पॉइंटर अब किस पे रखेंगे हम आपको बता देते हैं, हम माउस पॉइंटर रखेंगे मैग्नीफायर पे, ठीक है। अब इसको जूम आउट करेंगे तो देखिए जो मैग्नीफायर जो वर्ड है वो सेंटर ऑन द स्क्रीन पे आएगा। देखिए आया, इससे आप पीछे भी ले जा सकते हैं आगे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उसको सेटिंग को यूज कर सकते हैं और कर्सर का जो टेक्स्ट कर्सर है वो भी सेंटर ऑफ द स्क्रीन रहेगा। उसके बाद में हमें रीडिंग करने के लिए, जो रीडिंग अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी एप्लीकेशन है वो कैसे रीड करेगा, वो उसके लिए आपको यहाँ से बटन चुननी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल और प्लस अल्टर का बटन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं कंट्रोल अल्टर लेफ्ट माउस की, इसका यूज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया सर जी, तो ये करने के बाद में यहाँ पे क्लिक किया। Use these commands to have magnifier read from your screen. Start, pause, and resume reading. Modifier key plus enter. Stop reading. Any key read from mouse point. तो इस तरीके से आप मैग्नीफायर का यूज करके रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हर टीचर या हर ब्लॉगर के पास में ये वीडियो पहुंचा है ताकि इस वीडियो की मदद से वो वीडियो में या टीचिंग में कुछ अच्छा बदलाव ला सके और जो भी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छा एक एक्सपीरियंस मिले। तो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए अपने OBS स्टूडियो पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए OBS स्टूडियो 64-bit one running window, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में OBS में जाएंगे, OBS में आने के बाद में इसको जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्टर और माउस को स्क्रॉल करूंगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये देखिए कहाँ जा रहा है कर्सर, आया, फाइल पे क्लिक किया, देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने विंडो स्क्रीन से भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। इसका उपयोग करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था मैग्नीफायर का यूज और उसका उपयोग, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू सो मच।